नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मयूर वाळुंज। आज आपको एक बेहतरीन फीचर के बारे में बताने जाने वाला हूं, जिसका नाम है पोटेंशियल रिवर्सल स्क्रीनर। पोटेंशियल रिवर्सल स्क्रीनर का इस्तेमाल आप पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल पैटर्न और पोटेंशियल बेरिश रिवर्सल पैटर्न निकालने के लिए कर सकते हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है पिछले कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और जो लेटेस्ट कैंडल ने जो है उसका जो डाउन ट्रेंड का मोमेंटम है वो ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से प्राइस पोटेंशियली बुलिश मूवमेंट में जा सकता है। तो इस तरीके के स्टॉक स्क्रीन करने के लिए आप पोटेंशियल रिवर्सल स्क्रीनर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली टॉप स्टॉक रिसर्च में जाना है। टॉप स्टॉक रिसर्च में जाने के बाद आपको डू इट योर सेल्फ में जाना है, और प्राइस टैब में आप थर्ड ऑप्शन देख सकते हो, ट्रेंडिंग कैंडल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ट्रेंडिंग कैंडल का इस्तेमाल स्ट्रांग मोमेंटम स्टॉक निकालने के लिए किया था, उसी तरह आज हम पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल पैटर्न निकालने के लिए करेंगे। तो सिंपली आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो ये ऑप्शन आपको बताता है कि प्राइस जो है लोअर लो और लोअर हाई क्रिएट करते जा रही थी, और लेटेस्ट कैंडल का जो हाई है वो अबव प्रीवियस हाई है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो इसके बाद हमें यहाँ पे मिनिमम टिक्स फिल करनी है कि पिछले कितने दिनों से प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और उसके बाद जो है पोटेंशियल रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए। तो हम यहाँ पे 5 टिक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो प्राइस है वो प्रीवियस 5 टिक से डाउन ट्रेंड में है, और उसका पोटेंशियल रिवर्सल पैटर्न बना है। तो यहाँ पे रन करने के बाद आपको यहाँ पे 11 स्टॉक्स निकल के आते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस जो है पिछले 5 दिनों से जो डाउन ट्रेंड में आ रहा है, और लेटेस्ट कैंडल है उसने उसका मोमेंटम ब्रेक कर दिया है, और ये यहाँ पे आपको पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टॉक हम देख लेते हैं। इसमें भी हम देख सकते हैं कि पिछले 5 दिनों से जो है प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और लेटेस्ट कैंडल ने उसका जो मोमेंटम है वो ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से पॉसिबली प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो सकता है। इसी तरीके से यदि आपको बेरिश रिवर्सल स्टॉक्स निकालने हैं, तो आपको सिंपली यहाँ से सेकेंड ऑप्शन चूज कर लेना है। जैसे कि यह ऑप्शन बताता है कि प्राइस जो है हायर हाई हायर लो क्रिएट करते जा रही थी, और लेटेस्ट लो है वो प्रीवियस लो के नीचे है। तो इसे रन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 8 स्टॉक्स निकल के आते हैं, उसमें से हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है हायर हाई हायर लो क्रिएट करते जा रही थी, और जो लेटेस्ट टिक ने है उसका मोमेंटम ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से प्राइस पॉसिबली फॉल होना स्टार्ट हो सकती है। तो इसके वजह से हम इसे बेरिश रिवर्सल पैटर्न कह सकते हैं। इस तरीके से आप पोटेंशियल रिवर्सल स्क्रीनर का इस्तेमाल करके स्टॉक स्क्रीन कर सकते हो। इसके कुछ एडिशनल फीचर है, जैसे कि हर एक ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से अलग अलग टाइम फ्रेम सूटेबल होती है, उसी तरह से आप यहाँ से टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन नेक्स्ट कैंडल बॉडी रेंज और हाई लो रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आपको इंडियन मार्केट के स्टॉक स्क्रीन करने हैं, तो आप topstockresearch.com का यूज़ कर सकते हो, और यदि US के स्टॉक स्क्रीन करने हैं, तो आप stockaio.com का यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।